हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बड़बोले और बेतुके बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने ओवैसी को विदेशी आक्रांता बताया है। उन्होंने ओवैसी को बाबर का एकमात्र वंशज बताया है। भारत के संविधान में ओवैसी को भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा कर जेल भेज देना चाहिए। वही अयोध्या मामले पर फैसला देने वाले जजों को भारत रत्न देने की मांग कर डाली। साथ ही विपक्ष को पीएम मोदी से ट्यूशन पढ़ने की सीख दे डाली। ओवैसी जैसे लोगों को ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। राष्ट्रद्रोही है, भारत के संविधान में आस्था न रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रद्रोही हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला करके इसको जेल में बंद किया जाना चाहिए। बीजेपी के सुरेंद्र के निशाने पर आए ओवैसी। ओवैसी को सुरेंद्र ने बताया विदेशी आक्रांता। बाबर का एकमात्र वंशज बताकर माहौल को किया गर्म। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी सुप्रीम के फैसले से असंतुष्ट क्या हुए? गुस्से की आग में क्या चलने लगे? अपनी राय क्या दुनिया के सामने रखने लगे? तर्क वितर्क क्या करने लगे? सियासत के गर्म माहौल को गर्म क्या बनाने लगे? बलिया के बैरिया से बीजेपी MLA सुरेंद्र सिंह ओवैसी को अपनी जुबा से घेरने के लिए तैयार हो गए। सुरेंद्र ने ओवैसी को विदेशी आक्रांता, बाबर का एकमात्र वंशज की उपमा से नवाज दिया। कह दिया ओवैसी जैसे लोगों को भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर जेल भेज देना चाहिए। देखिए इस चिंतन के पोषक लोग भारत में रह रहे हैं, यही खैरात है। उसको यदि वास्तव में इस चिंतन से बहुत परहेज हो, संविधान से परहेज हो, तो उसको तत्काल जो है वीजा बना करके पाकिस्तान चला जाना चाहिए, जहाँ उसकी भावना का आदर हो सके, भावना का आदर हो सके। ओवैसी जैसे लोगों को ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। राष्ट्रद्रोही है, भारत के संविधान में आस्था न रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रद्रोही हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला करके इसको जेल में बंद किया जाना चाहिए। सुरेंद्र बस बोलते गए, कहते गए। राजनीतिक संस्कार ग्रहण करने के लिए ओवैसी मोदी से ट्यूशन पढ़ने। विधायक के बोल यही नहीं रुके, कह डाला कि जिस दिन हिंदू मस्जिद में जाकर दुआ करने लगेगा और मुसलमान हनुमान के मंदिर में जाकर हनुमान जी की जय बोलने लगे, उस दिन भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। यदि भाव प्रकट हो जाए, जिस दिन इस भारत भूमि पर हिंदू मुसलमान के मस्जिद में जाकर के दुआ लेने का काम करें, और जिस दिन मुसलमान भी हनुमान जी के मंदिर में आकर के हनुमान जी का जय बोलना चालू कर दें, उस दिन ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बन जाएगा। और भारत के पास जो पौरुष है, पुरुषार्थ है और त्याग है, दुनिया इसका कहीं मिसाल जो है कायम नहीं कर पाएगी। और भी बहुत कुछ बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। वहीं सुरेंद्र ने अपनी सीमाओं को तोड़कर बोल दिया, अपनी जुबान से भारतीय संविधान के मूल पर चोट कर दिया। दशकों से धर्म निरपेक्षता की राह पर चलने वाले धर्म निरपेक्ष भारत की भावना पर अपनी जुबान से जहर उगला तो अब क्या कहेंगे? क्या यूं ऐसे ही किसी भी मुद्दे, फिर चाहे वो संवेदनशील ही क्यों ना हो, जनप्रतिनिधि को बोल देना चाहिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।